पिछले 2 महीने से एक कंपनी है हमारी NMDC, उसका शेयर प्राइस तकरीबन तकरीबन डेड साउंड कर रहा होगा हमारे शेयर होल्डर्स को जो कि इस स्टॉक को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन आज से 1-2 दिन पहले कंपनी के प्रोडक्शन रिजल्ट्स हैं पूरे के पूरे Q1 के। उसके अंदर कंपनी ने ये बोला है कि 20% की प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट आया है पिछले साल के कंपैरिजन में और 45% की सेल्स में इंक्रीमेंट आया है। अब इतना पता चल गया है कि कंपनी के जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स मार्केट में अनाउंस होंगे तो उसके अंदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में आपके शेयर 10-10, 15-15% बढ़ रहे हो लेकिन आपके कोर फंडामेंटल पिक्स जो हैं वो चल नहीं रहे होते। तो इस केस में आपको उस कंपनी की प्रेस रिलीज को ढंग से पढ़ना होता है और उसमें नोटिस करना होता है कि कुछ पॉजिटिव बात अगर आ रही है तो इसके अंदर इसका शेयर पे क्या इम्पैक्ट होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताता हूँ कि कंपनियों को अपने छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करें और उनमें जो भी रोज का कॉरपोरेट एक्शन हो रहा है उसको ध्यान से पढ़ें और उस पे सोचे कि क्या इसका शेयर पे इफेक्ट आ सकता है अपने आप से बात करके। इस केस में जैसे कि NMDC ने अपने प्रोडक्शन रिजल्ट्स दिखाए और कंपनी का शेयर प्राइस अभी 105 107 की रेंज में चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि जब Q1 का रिजल्ट आएगा तो शेयर प्राइस में एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे सकती है। क्योंकि मैनेजमेंट का इस साल का जो टारगेट है हमारा सेल्स को लेके वो अराउंड 45 मिलियन टन्स का है जो कि अभी तक की हिस्ट्री में सिर्फ 40 मिलियन टन ही रहा है अभी तक की कंपनी की कॉरपोरेट हिस्ट्री के अंदर। तो जो कंपनी अपनी 10% प्रोडक्शन कैपेसिटी सेल्स कैपेसिटी के अंदर माइनिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा रही है उसके अंदर एक बहुत एग्रेसिव अप्रोच इस टाइम मुझे दिखाई दे रही है जो कि NMDC की मैनेजमेंट भी क्लियरली बोल रही है और कंपनी के हर क्वार्टर को आपको नोटिस करना है। क्योंकि अगर 45 मिलियन टन्स की आपकी टारगेट है तो उसको अगर 4 क्वार्टर में आप डिवाइड करेंगे तो अराउंड 11 मिलियन टन्स का तो होना ही चाहिए हर क्वार्टर का आपका प्रोडक्शन सेल्स टारगेट। इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने उस चीज पे एक टिक मारा है जिससे मुझे पता चल गया है कि जो मैनेजमेंट चीज बोल रही है शेयर होल्डर कम्युनिटी के लिए वो एक्चुअल रिजल्ट्स में भी आगे दिखाई दे सकता है। इस स्टॉक पे आप अच्छी नजर बना के बैठे और देखे इस कंपनी में कैसे एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है आपके शेयर प्राइस परफॉर्मेंस के अंदर भी। ये वीडियो सिर्फ मेरी एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं चाहता हूं कि जो बंदा मेरी वीडियोस को देख रहा है वो इनके स्टोरी के ऊपर फोकस करे। क्योंकि जो चीजें आपकी कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि प्रेस रिलीजेस कंपनी की होती है उन पे ही अगर आपकी अच्छी पकड़ हो, पकड़ का मतलब ये है कि आप हर हफ्ते अपने पोर्टफोलियो पिक्स को एक ऊपर से नजर लगा के देख सकते हैं कि उनमें क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि एक बार ही शेयर खरीदा और 10-20 साल के लिए भूल गए। ऐसी अप्रोच अगर रखेंगे तो हो सकता है कि आपके 15-20 स्टॉक के पोर्टफोलियो में एक दो स्टॉक आपके आउट परफॉर्म कर जाए, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि बाकी स्टॉक्स के अंदर कुछ खास मूवमेंट ना हो। तो हिस्ट्री ठीक कहती है कि उनको स्टॉक्स को लेके भूल जाओ, लेकिन इसका मतलब ये कि उनके बारे में भी स्टडी करना भी भूल जाओ। स्टडी जरूर करनी चाहिए कि क्या कर रही है कंपनी एज अ रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू।